डॉक्टर उर्मिलेश जी की कुछ पंक्तियां कोड करता हूँ कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे जो सही है वो बात बोलेंगे, साहिबो हम कलम के बेटे हैं कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके और अपने YouTube चैनल जिंदगी विद लीला दर सुमन पर, जहां मैं मिलवाता हूं आपको अपनों से। दोस्तों, विषय बहुत गंभीर है और समस्या बहुत विकट है। मैं बात कर रहा हूं केंद्र सरकार के उस गलत फैसले की जिसके तहत शाहबाद का जंगल काटा जाएगा। दोस्तों, आज दिन तक मैंने आपसे नहीं कहा होगा कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन आज माँ प्रकृति की रक्षा के लिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं, चाहे वह आप ट्विटर यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, आप फेसबुक यूज करते हैं, टेलीग्राम यूज करते हैं, या यूट्यूब चैनल आपका है, तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपके व्हाट्सएप स्टेटस पर, सभी जगह इस कविता को आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके और केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके। दोस्तों, अब मैं कविता प्रारंभ करता हूं। कविता का शीर्षक है कि अपने तो लोग उसका आशियाना उजड़ जाएगा। दोस्तों, ये कविता किसी एक नेता या एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये कविता केंद्र सरकार के गलत फैसले के खिलाफ है। दोस्तों, मैं कविता प्रारंभ करता हूं। मेरी कविता जिंदा रहे, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अब तो लव कुश का आशियाना भी उजड़ जाएगा। कविता का शीर्षक है कि लव कुश का आशियाना उजड़ जाएगा, अब तो लव कुश का आशियाना भी उजड़ जाएगा। बचपन यही उनका बीता था सीताबाड़ी शाहबाद के जंगल में, बचपन उनका बीता था सीताबाड़ी शाहबाद के जंगल में, यही राम के वंशज हुए, यही क्रीड़ा स्थल उनका था। और तुम कहते हो हम काटेंगे इस जंगल को एक बिजली पंप सेट के चक्कर में, और तुम कहते हो हम काटेंगे इसको एक बिजली पंप सेट के चक्कर में। क्या पैसा ही सब कुछ हो गया, क्या सीता माता के आंसुओं का कोई मोल नहीं, यही लिखी रामायण वाल्मीकि ने ये तुम कैसे भूल गए, यही लिखी रामायण वाल्मीकि ने ये तुम कैसे भूल गए। अब क्या अयोध्या में ही रामलला सब कुछ हो गए, अब क्या अयोध्या में ही रामलला सब कुछ हो गए, बांधा था यहीं कहीं अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, लव कुश ने क्या अब तुम उस पेड़ को भी काटोगे, जाओगे कभी अयोध्या तो क्या रामलला से नजरें मिला पाओगे, जाओगे कभी अयोध्या तो क्या रामलला से नजरें मिला पाओगे। जिस राम राज्य की कल्पना करके तुम सत्ता में आए हो, जिस राम राज्य की कल्पना करके तुम सत्ता में आए हो, सच बताना सनातनी हो या सनातनी का चोला पहने हो, सच बताना कि सनातनी हो या सनातनी का चोला पहने हो। अब मैं कविता की प्राण पंक्ति पढ़ता हूँ कि जिन उन्होंने दिया आश्रय 14 वर्ष राम को, जिन उन्होंने दिया आश्रय 14 वर्ष राम को, क्या वहाँ के जीव जंतु प्यारे नहीं है राम को, जिन उन्होंने को दिया आश्रय 14 वर्ष राम को, क्या वहाँ के जीव जंतु प्यारे नहीं है राम को। बात ये नहीं कि 1 लाख पेड़ काटे जाएंगे, कविता का मुद्दा पढ़ रहा हूँ, बात ये नहीं कि 1 लाख पेड़ काटे जाएंगे, बात ये कि लाखों करोड़ों वन्य जीवों के घर उजड़ जाएंगे, बात है कि लाखों करोड़ों वन्य जीवों के घर उजड़ जाएंगे। लाएंगे कहाँ से हनुमान जी वो जड़ी बूटी तुम, लाओगे कहाँ से हनुमान जी वो जड़ी बूटी तुम, जब लगेगी लक्ष्मण जी को शक्ति तो क्या तुम लक्ष्मण को बचा पाओगे, और क्या तुम लक्ष्मण को बचा पाओगे, क्या लक्ष्मण युग में राम जिंदा रह पाओगे। हुआ है वन मंत्रालय का, ये केंद्र सरकार का कैसा फैसला आया है कि जंगल कटेगा शाहबाद का और जमीन जैसलमेर में दी जाएगी। तुम पूर्व से पश्चिम का अंतर कैसे भूल गए, तुम 700 किलोमीटर की दूरी कैसे भूल गए, जो वनस्पति यहाँ पनपी है वो मरुस्थल में न पनप पाएगी। तुमने अपना जीवन जीना आसान बनाया है, तुमने प्रकृति को भरपूर नुकसान पहुंचाया है, अगर ऐसा ही रहा तो जीव जंतु सब प्राकृतिक संपदा नष्ट हो जाएगी, फिर बताओ जैव विविधता कैसे बची रह पाएगी। पेड़ों ने दी है प्राणवायु हमको, राह चलते राही को छांव दी है, रहने को घर और खाना बने तुम्हारे, इसलिए अपने जंगल की लकड़ी दी है, हमारी जुबान का स्वाद कम नहीं हो जाए, इसलिए अपने मसालों की टोकरी दी है, और कहीं तुम बीमार न हो जाओ इसलिए अपनी जड़ी बूटियों की खदान दी है। सच बताना आज दिन तक जिन आदिवासियों के घर उजड़े हैं, क्या फिर उनको अपने घर नसीब हुए हैं। एक बात समझ लेना केंद्र सरकार तुम, एक बात समझ लेना केंद्र सरकार तुम, विनाश के नाम पर विकास स्वीकार नहीं,
और ना ही विकास के नाम पर विनाश स्वीकार है। सुन लेना अगर एक पेड़ भी कटा, सुन लेना अगर एक पेड़ भी कटा, तो तुम प्रभु श्री राम के नहीं, तुम प्रभु श्री राम के नहीं। ये कविता कतई काल्पनिक नहीं है, इस कविता के सभी पात्र वास्तविक है। ये कविता अपनी धरोहर संस्कृति का वास्तविक लेखन है। इस कविता में भूतकाल के सौंदर्य, वर्तमान के कर्तृत्व और इन कर्तृत्व से होने वाले विनाश को रोकने के लिए माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मेरे मुखमंडल से इस कविता का जन्म हुआ है। अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि ये कविता जन जन तक पहुँचे, क्योंकि जनता की आवाज़ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। और दुख इस बात का है कि जिस राष्ट्र निर्माण के लिए हमने वोट किया, दुख इस बात का है कि जिस राष्ट्र निर्माण के लिए हमने वोट किया, आज वही राष्ट्र विनाश की कगार पर हैं। दोस्तों, ये महाविनाश राजस्थान में 17 जगह होने वाला है। इस महाविनाश को रोकने के लिए आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और केंद्र सरकार को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।